पिछले पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ बैठे हैं जो झारखंड के 24 डिस्ट्रिक्ट से और 81 असेंबली से यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इट इज़ वेरी हार्टनिंग टू सी सच यंग फेसेस और उससे भी हार्टनिंग है कि आई सी अ लॉट ऑफ विमेन इन दिस ग्रुप. अ लॉट ऑफ गर्ल्स आर हियर. आई एम श्योर झारखंड आगे भी इस तरीके से ही आप लोगों का जैसा हाउस दिख रहा है इन कमिंग डेज वी हैव हाउस एज सच. अचानक वो बड़ी कुर्सी पे ये लोग बिठाने लगे तो हमको लगा कि अरे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट जो है नेताओं को नहीं मिलना चाहिए. एक्चुअली दे शुड बी बिहेव लाइक यू ऑल जैसे लोगों के बीच में है. पर जब स्पीकर बोला गया तो हम बोले हाँ जी वो चेयर को थोड़ा सा हाइट चाहिए होती है, उस पोजिशन को थोड़ा सा हाइट चाहिए होता है ताकि इतने सारे लोगों को थोड़ा कंट्रोल कर सकें. आई एम हैप्पी अबाउट द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड. जो बिल आप लोग स्टार्टअप को लेके यहाँ पास करने की कोशिश कर रहे थे और जो सीरियसनेस था फाइनेंस मिनिस्टर को भी एक्सप्लेनेशन देते हुए सुने और जो लोग सपोर्ट में थे वो किन सब चीज़ों के लिए एग्जेम्पशन चाह रहे हैं. सो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों की पूरी तैयारी भी कराई गई है एंड यू हैव टेकन दिस टास्क वेरी सीरियसली. इट इज़ हाई टाइम कि हमारे देश ही नहीं बल्कि हम लोगों के राज्य के जो युवा हैं वो पॉलिटिक्स को सीरियसली लेना शुरू करें. नॉट मैनी पीपल वॉन्ट टू बी पॉलिटिशियन लेकिन हमको लगता है कि सोसाइटी में कोई भी चेंज लाना है तो बगैर पॉलिसीज के नहीं हो सकता और उस चेंज को लाने के लिए आप माध्यम कोई भी चुनिए बट कम्स डाउन टू पॉलिटिक्स. आपको जो हम लोगों का संविधान है उसके हिसाब से काम करके पॉलिसी मेकिंग लॉ मेकिंग का काम ही पूरे सोसाइटी पर आपके एक डिसीजन से आपके एक आइडिया से आपके एक थॉट से उसको हाउस में ला करके यू कैन मेक अ रिमार्केबल चेंज. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू शेयर कि अपने NSUI आई हैव अ आइडियोलॉजी आई फॉलो अ पार्टी एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा जो स्टूडेंट विंग है हमारे कंस्टिट्यूएंसी में वहाँ से वो लोग लगातार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के उनकी शिकायत करते हैं. गांव कस्बा जैसा हमारा क्षेत्र है तो लोगों के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं. स्टूडेंट्स जैसे हम रांची में पढ़े तो उनको पता था कि अगर हम अपना आई कार्ड दिखाएंगे तो बस में फ्री राइड भी मिल सकता है लेकिन ये हमारे यहाँ के बच्चों को नहीं मिलता. दैट गिव मी अ आइडिया कि भाई क्यों नहीं सभी जगह हमारे यहाँ क्यों नहीं है. देन आई स्टार्टेड सर्चिंग. उस रिसर्च के बाद पता चला कि झारखंड के पास परिवहन निगम ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है ही नहीं. ये स्टेट बनने के 21 साल के बाद भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो पब्लिक का होता है स्टूडेंट्स का होता है जो स्टेट के रहने वालों का है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम लोगों के पास. सो ब्रॉट इट इन हाउस. आई एम हैप्पी कि झारखंड गवर्नमेंट इस बात का डिसीजन ली है कि वी विल सेट अप परिवहन निगम और उसके लिए इस बार बजट का एलोकेशन भी हो गया है. एक साल में नहीं तो हमको पता है आने वाले दूसरे साल में यू विल सी बसेस जो झारखंड स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का होगा. आई विल ऑल्सो फील प्राउड कि कुछ तो कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं फॉर दिस स्टेट. तो ऐसी कई चीज़ें हैं जहाँ जब तक आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते यू कैन नॉट मेक दैट चेंज हैपन. आप जिस भी फील्ड में रहें ये ज़रूरी है कि आप उसमें पूरी मेहनत करें आप वहाँ लीडर बन के आए. एम नॉट इस ग्रुप में कई सारे ऐसे लोग होंगे जो आगे हो सकता है पॉलिटिक्स को अपना करियर ना लें वो डॉक्टर बनेंगे इंजीनियर बनेंगे कोई फॉरेंसिक साइंस पढ़ेगा कोई हवाई जहाज उड़ाएगा कोई बिजनेस करेगा कोई स्टार्टअप की बात हो रही है तो आई एम श्योर आप लोग इंस्पायर्ड होंगे कि आप अपना काम करें. तो ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ होगी. माई
ओनली गुड विशेस फॉर यू विल बी कि आप लोग जहां भी जिस काम को करें आप ट्राई टू बी अ लीडर देयर. अपने अपने फील्ड में अगर आप लोग आइडियाज लाएंगे, मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे तो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द सोसाइटी. और यहाँ दोस्त बनाइए ऐसे कि जो पॉलिटिक्स में आ गए तो कल को अगर कभी किसी लॉ मेकर की ज़रूरत होगी तो आप लोग उन लोगों का हेल्प ले सकेंगे. अगर कोई हायर एजुकेशन, कोई मान लीजिए आप कॉलेज खोलते हैं और चाहते हैं हायर एजुकेशन बच्चों के लिए फ्री हो या उनको स्कॉलरशिप दे सकें एंड यू नीड द गवर्नमेंट टू हेल्प यू इन दैट, तो आप ज़रूर अपने एक दो राजनीतिक दोस्त लोगों को भी अपने साथ रखिए. आई एम श्योर ये एक्सपीरियंस आपका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा. हम लोगों को ये मौका नहीं मिला. और ये यूथ पार्लियामेंट, तो हमको लगता है कि जब हम पॉलिटिकल करियर अपना शुरू कर चुके थे और स्ट्रगल कर रहे थे तब कहीं एक दो प्रोग्राम, क्योंकि बाहर के स्टेट्स में जाने का मौका मिला तो ये हम देखे. आई एम वेरी हैप्पी कि युवा सदन के जो डायरेक्टर हैं ईशानु आनंद, चेयरमैन एडवोकेट आकाश पांडे जी, आप लोगों ने ऐसा इनिशिएटिव लिया. दिस इज द थर्ड पार्लियामेंट. फर्स्ट आई गॉट कंफ्यूज्ड. हमारी विधानसभा, झारखंड विधानसभा भी इस साल पहली बार, मतलब लास्ट ईयर 2021 में आई कैन सी सम फेसेस जो वहाँ पार्टिसिपेट किए और आप लोगों ने उसको जीता भी. तो पहली बार झारखंड स्टेट में युवा पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज करने का काम हुआ. दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म. आप यहाँ से ग्रूम होकर के आगे फर्दर, क्योंकि वो थोड़ा इससे ज़्यादा सरकार का कार्यक्रम होता है. आई एम श्योर ये बहुत तकलीफ से ऑर्गेनाइज किया गया होगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट इवेंट होता है तो कई सारे रिसोर्सेज लोगों को मिल जाता है आसानी से. और बहुत अच्छा कार्यक्रम वो भी रहा. पहली बार वो कार्यक्रम हुआ और वहाँ एक टाइम पर मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और जो स्पीकर, आई स्टिल रिमेम्बर वहाँ जो गवर्नर की स्पीकर, शी वॉज सो स्ट्रिक्ट कि अगर हम लोग के जैसे हल्ला करने वाले MLA हाउस में होते तो पता नहीं क्या हुआ. गुड प्लेटफॉर्म, आप लोग इसको बहुत एंजॉय करिए. आप लोग बहुत मेहनत करिए. बात बहुत लंबी हो सकती है, बस मेरा लास्ट लाइन आप लोगों का है, आप लोगों के लिए है कि बिलीव इन योर सेल्फ. अपने आप पे सबसे ज़्यादा भरोसा करिए. इफ यू ट्राई एनीथिंग और अपना मेहनत अगर आप उसमें लगाते हैं तो किसी भी हालत में आप फेल नहीं करेंगे. एंड देर आर नो शॉर्टकट्स. कोई शॉर्टकट नहीं है किसी भी फील्ड में. यू हैव टू वर्क हार्ड और अपना रास्ता बनाना है. दिस कंट्री नीड्स यूथ. आज है, वैसे भी आबादी सबसे ज़्यादा युवाओं की है, लेकिन आज इस टाइम में सबसे ज़्यादा यूथ की ज़रूरत है. आई नो आप लोगों का भी बहुत सारा शिकायत, फ्रस्ट्रेशन है. जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जिस तरीके से चाहिए, जिस तरह से हायर एजुकेशन में सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से, बीट सेंटर और स्टेट दोनों की हम बात करें, ये नहीं कि वी आर परफेक्ट, लेकिन जिस तरह से जो एक्सपेक्टेशन है वी आर ट्राइंग टू मीट. लेकिन आई नो इट इज़ नॉट 100%. आगे हम लोग एज लेजिस्लेटर विल ट्राई आवर बेस्ट कि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके. एंड आई थैंक यू ऑल, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. हमारे यूथ NSCI के और यहाँ आई थिंक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और गेस्ट भी हैं, इंद्रजीत हैं. आई थैंक यू, ही हैज ग्रोन द लॉट ऑफ लीडर्स. हम बहुत सारे परिचित चेहरे देख पा रहे हैं. एक दूसरे को हेल्प करिए और आगे बढ़िए. थैंक यू.